देश के लगभग हर राज्य में कांग्रेस की जमीन कमजोर होती दिखाई पड़ रही है। अब तो ये जमीन इतनी कमजोर हो गई है कि पार्टी के आलाकमान को आगे आकर सूबेदारों की रिमांड लेनी पड़ रही है। हाल ही में गुजरात में निकाय चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी ने तो बाजी मारी ही, साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिससे खार खाई हुई कांग्रेस पार्टी अब अपनी चुनावी जमीन को बचाने में जुट गई है, जिसके चलते पार्टी के आलाकमान ने गुजरात प्रदेश कांग्रेस से तत्काल रिपोर्ट मांगी है। इतना ही नहीं, सूबे के कांग्रेस प्रभारी को भी इस बारे में अपनी आलाकमान रिपोर्ट देने को कहा गया है, क्योंकि दिल्ली में पैठ जमाई आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार में पैठ जमाई भाजपा को अगले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपनी परेशानी के तौर पर दिख रही है। इसलिए अब कांग्रेस आप पर यह आरोप लगा रही है कि आपने जो भी सीटें जीती है वो कांग्रेस के कुछ नेताओं के आम आदमी पार्टी में जाने पर जीती गई है, इसलिए वो कांग्रेस का जनाधार है जो आम आदमी पार्टी को मिला है। जबकि इस बयान से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी में इस वक्त हार का कितना रोष है जो बयानों के जरिए बाहर आ रहा है। वहीं इस रोष की वजह सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं है बल्कि भगवा दल भाजपा भी है। कांग्रेस ने 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लगभग हार का मुंह दिखा ही दिया था। कांग्रेस ने पिछले गुजरात विधानसभा चुनाव में 80 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी 100 का आंकड़ा पार करने से थोड़ी ही दूर रह गई थी। कांग्रेस की पूरी तैयारी थी कि बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़े, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरी समय पर पूरी बाजी पलट कर रख दी और इस विधानसभा चुनाव तक आते आते तो कांग्रेस की इतनी खराब हालत हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी में आपसी तकरार भी बढ़ रही है और राष्ट्रीय तौर पर भी कांग्रेस को विपक्ष में महज एक कमजोर पार्टी से ज्यादा कुछ नहीं समझा जा रहा। ऐसे में कांग्रेस चाहे जितना ही दमखम लगा ले, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हटाए बगैर पार्टी की मौजूदा हालत को बेहतर नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।